ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा कर मोदी योगी पर जमकर निकाली भड़ास, कहा अखिलेश से वैर नहीं। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के महावतगढ़ ग्राम सभा में भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल फूंकते हुए प्रदेश में सरकार बनाने का खाका खींचा। इस दौरान प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि 10 छोटे दलों को मिलाकर 2022 में सरकार बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ाकर राजनीति करना चाह रही है। महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि मोदी देश के सभी संसाधनों को एक एक कर बेचते जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से भी मिल सकते हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता राम भरत राजभर ने की, संचालन जयलाल सिंह ने किया। हजारों की तादाद में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। देखिए, एक समय था कि ये समाजवादी का गढ़ था। अब आपको मई के लास्ट में दिखाएंगे कि ये गढ़ भागीदारी संकल्प मोर्चा का बनेगा। इस आजमगढ़ की 10 सीट पर एक बड़ा वोट भारतीय समाज पार्टी का है, दूसरा बड़ा वोट अनिल चौहान का है, तीसरा बड़ा वोट बाबू सिंह कुशवाहा का है, चौथा वोट प्रेमचंद प्रजापति बाबूराम पाल का है, पाँचवा वोट रामसागर बिंद रामकण कश्यप का है। ये इतना खाली वोट मिला दीजिए, अब बताइए कहाँ है गढ़ किसका। और ओवैसी जी हमारे साथ हैं। अभी आपने देखा कि 12 जनवरी का आप लोगों ने देखा होगा शायद, कि वो जुनून जज्बा जो सच्चाई है, 40 साल के नीचे का नौजवान वो अपने हक के लिए निकल पड़ा है, वो ओवैसी के साथ खड़ा है। सर, एक आवाज़ उठ रही है समाज और मुसलमानों की भी कि जो ओवैसी के साथ जा रहे हैं वो सपा का वोट काट रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहते हैं? देखिए, जब कल तक मैं पार्टी बना के निकला तो लोग मुझे कहते थे कि समाजवादी पार्टी ने इनको खड़ा किया, ये बसपा का नुकसान कर रहे हैं। और इसी तरह जो भी पार्टियां उभरती हैं तो उनको कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है। ओवैसी जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि हक हमको दे दो भाई। चार बार सरकार समाजवादी पार्टी की बनी उत्तर प्रदेश में, और 1700 थाने हैं। हिस्सेदारी जब सिपाही बनाने की बात आई तब आपने तो ध्यान नहीं दिया। 826 ब्लॉक हैं, उसमें उनकी नियुक्ति के लिए तो आपने मुसलमानों को नहीं पूछा। तो फिर किस बात के लिए आप इस बात को कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को नुकसान अगर समझ में आता है तो आवे हमारे मोर्चे में। सर, आज़ादी से लेकर अब तक हर पार्टियाँ ही दलित उत्थान की बात करती रही, लेकिन दलित आज भी जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री का पद इनको मिला, लेकिन दलित जहाँ का तहाँ रह गया। क्या ये मोर्चा कुछ उनसे हटकर करेगा या सिर्फ भाषण ही रह जाएगा मोदी? देखिए, जो आप कह रहे हैं हम इस पे विश्वास नहीं करते। आज़ादी के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था में प्रगति हुई है। आज हमारे शेड्यूल कास्ट के 125 IAS हैं, हर जिले में 125 DM और SP हैं, 131 MP हैं, 1100 MLA हैं, और लाखों लाख SI या दरोगा हैं, सिपाही हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि आज वो चारपाई पर बैठ करके लेखपाल अगर है तो वो इंतखाब बना रहा है, खसरा बना रहा है, कल तक बैठने नहीं दिया जाता था। तो हम कैसे मान लें कि उनको प्रगति नहीं हुई है? हाँ, जिस ऊंचाई पर बाबा साहब की जो सोच थी कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सवाल पे जो बाबा साहब चाहते थे उनकी बात को नहीं माना, इस नाते केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था पहली बार। अब वही चीज़ ओम प्रकाश राजभर ने जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने नहीं माना तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके मैंने भी इस्तीफा दे दिया कि नहीं, तेरे साथ नहीं रहूंगा, तुम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हित नहीं चाहते हो, तुम विनाश करना चाहते हो। सर, शिवपाल जी से भी मुलाकात हुई थी सर आपकी? होती रहती है, हम तो सबसे मिलते हैं। सर, आने वाले समय में अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो सकती है? वो चाहें तो मुलाकात कहे नहीं होगी, हम कोई सिंह तुम्हारे पुरजा नहीं है।